हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आकाश कुमार, बाई प्रोफेशनल ट्रेनर, ड्राइविंग स्कूल बुद्धिखंड बहुती नगर। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से एक नए स्टूडेंट के साथ में, जो कि मेरे साथ में मैम है, एक नई वीडियो के जरिए अपनी अल्टो कार के साथ में, जैसे कि मैं बताऊँगा आप सभी को इस वीडियो में कि हमें कार को रिवर्स करते वक्त कैसे करना होगा। रिवर्स साइड राइट और लेफ्ट में कैसे हमें देखना होगा, कौन से मिरर में हमें देखना होगा, जो कि मुझे परफेक्ट समझ में आएगा कि पीछे की साइड में कितनी दूरी पे वाहन आ रहा और कितना स्पेस है मैं पीछे कार को ले जा सकता हूँ। दूसरी चीज़ कि हमें रिवर्स गियर में कितना स्पीड रखना चाहिए, जिसमें हमें कम्फर्ट स्पीड का मतलब है यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है कि हमारी आसानी तरीके से मैं बस आसान तरीके से हमारी स्पीड चल सके, तो हमें कितना स्पीड रखना होगा रिवर्स के में। दोस्तों, पहले तो हम बात कर लेंगे अपने स्टूडेंट से, जानते हैं इनका क्या नाम है, कहाँ से ड्राइविंग सीखने आते हैं, आज इनका कौन सा ड्राइविंग सीखते हो गया, कैसा कंट्रोल इनका आ गया, कैसा कॉन्फिडेंस इनको अभी तक आया है, और अभी इनको क्या कहाँ पर दिक्कतें होती हैं, इनके घर पर कौन सी कार है, इन्होंने अभी तक अपनी कार चलाई है नहीं चलाई है, पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ कि हमें रिवर्स कैसे करना होगा, रिवर्स करते वक्त पे हमें किन किन चीज़ों पे, किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। आप ज़रूर मेरी वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं रिवर्स में और कार को चलाते हुए। जैसा हमें लेफ्ट जाना होगा, ब्रेक पे रखे, टर्न करो लेफ्ट, टर्न करो, बस अब टर्न करना, सीधा करो। हेलो, हाँ जी भैया, कोई मैंने आपको मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं आया था, मैंने बता दिया आपको। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं बात कर लेता हूँ अपने स्टूडेंट से। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, क्या नाम मैम आपका? वर्षा। वर्षा जी, आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने आते हैं मेरे पास? वास्तुखंड से। वास्तुखंड से आप ड्राइविंग सीखने आते हैं, गुड। आज आपको कौन सा डे ड्राइविंग सीखते हो मेरे साथ में? नाइन्थ डे। आज आपको ड्राइविंग सीखते हुए, गुड, ठीक है, बढ़िया। अभी नाइन्थ डे में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सिखा दी है, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बता दी है? जो भी है वो बता चुके हैं। ठीक है, अभी क्या बचा है आपका? प्रैक्टिस। हाँ। प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस भी करोगे, जितना आप चीज़ों पे ध्यान दोगे, उतना आपको चीज़ें आती जाएंगे, उतना चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, है ना। कभी भी किसी वाहन के बगल से निकलते हैं तो मैडम हॉर्न बजा के फिर निकलते हैं, है ना। तो अभी आपको 9 डेज हो गए, अभी आपके घर पर कौन सी कार है? सफारी और आल्टो कार है, गुड। सफारी और आल्टो से मुझे याद आया कि आपकी मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, गुड, ठीक है। तो अभी आपके पास सफारी और अल्टो है, जैसे कि आपने मेरे पास जब सीखने आए तो उससे पहले आपने कभी ट्राई किया, आपने ड्राइविंग सीट पर बैठ के स्टीयरिंग को कभी पकड़ा, कभी आपने चाबी से स्टार्ट किया इंजन? नहीं किया, गुड। तो अभी आपको क्या लग रहा है मेरे साथ में सीखते हुए, क्या लग रहा? हाँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ, मैं चला सकती हूँ अल्टो, अभी अल्टो चला सकती हूँ सफारी। हाँ। दूसरी चीज़ क्या होता है मैम कि देखो, जितना चीज़ों पर आप खुद ध्यान दोगे ना, उतना आपको आएगा। बताना मेरा काम होता है, समझाना मेरा काम होता है, मेरे जाने के बाद आप कहाँ पे क्या दिक्कत करते हो, क्या चीज़ भूलते हो, वो सारी चीज़ आपको ध्यान देना रखना होगा, है ना। प्रैक्टिस अगर करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे भैया के साथ में, पापा के साथ में, मम्मी के साथ में, जो भी छोटा या बड़ा है, जो भी जिसको घर में कार्स को चलाना आता है ना, उसके साथ में अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपने जो चीज़ें सीखा है ना, इस रिपीट होती जाएंगी चीज़ों पर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो आपने सीखा है ना, ये भी भूल सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप कौन से गियर पे चला रहे हो कार को? सेकंड गियर पे चला रहे हो, गुड। तो अभी मैंने आपको रिवर्स करना भी बताया है। छोड़ो मैम, ब्रेक छोड़ो, यहाँ पे आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया, देखो हल्का हल्का ब्रेक लगाना था, यहाँ पे हल्का हल्का ब्रेक आपको लगाना था, वाहन आ गया तो आपको हल्का हल्का ब्रेक लगाना था। ये अगर आपने पूरा ब्रेक लगाना था आपको, तो पहले पूरा क्लच दबाते और धीरे से ब्रेक लगाते। अगर आप एकदम से ब्रेक लगा दोगे तो मैम, तो पीछे में कोई वाहन है तो वो टकरा सकता है आपके वाहन में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है रिवर्स करना, ठीक है। जैसे कि आज आपकी रिवर्स की क्लास है, ठीक है, रिवर्स पार्किंग, ठीक है। तो आगे से फिर मैं आपको बताऊंगा, आगे जो लेफ्ट में कार खड़ी है वहाँ पे आपको आना है धीरे से, और कार वहाँ पे खड़ी करना है, ठीक है। फिर अब वहाँ पे आपको फिर से रिवर्स करना होगा, जैसे कि यहाँ पे खड़ी करना आपको, ठीक है। पूरा क्लच दबाऊँ, धीरे से ब्रेक लगाया, गुड, कार मेरी खड़ी हो गई, ठीक है। अब हमें गियर न्यूट्रल कर देना है, न्यूट्रल कर हो गया, ठीक है। जब भी कभी हम एक चलते हुए रास्ते पे कार को खड़ी करते हैं, या फिर वहाँ पे रिवर्स करते हैं, या फिर वहाँ से टर्न करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अलर्ट का सिग्नल जला लेते हैं,
ठीक है, ये सिग्नल जल गया, पीछे से अगर कोई आता तो वो समझ जाएगा कि इनसे बच के निकलो, ये रिवर्स करना चाहते हैं या कार को खड़ी करेंगे टाइम बाद कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सिग्नल जला देते हैं क्योंकि ये एक चलता हुआ रास्ता है, ठीक है। तो अभी आपने गियर को न्यूट्रल कर लिया है, अब आपको रिवर्स गियर लगाना है। कैसे लगाना है रिवर्स गियर, मैंने अभी आपको बताया, एक बार आप लगाओ, देखते हैं कैसे आप लगाते हो। पहले राइट, हाँ, बैक। ओके, ठीक है। तो अभी आपको रिवर्स में और फर्स्ट गियर में एक्सेलरेटर नहीं लेना होता, ठीक है, सिर्फ आपको क्लच हल्का का छोड़ना होता है और सीधे आपको रिवर्स करना है, सीधा रखना, ठीक है, छोटा हल्का हल्का क्लच। और आपको राइट मिरर में देखना है, ठीक है, पीछे से कौन आ रहा है, आपको लेफ्ट मिरर में देखना है, ठीक है, और फिर आपको बैक करना है, इधर बैक मिरर में देख लीजिए, मैम ऊपर वाले मिरर में, गुड, इधर हल्का का, हल्का सा स्टीयरिंग राइट रखना, हल्का सा स्टीयरिंग राइट, हल्का सा, क्योंकि आपकी कार जो है ना वो लेफ्ट जाएगी, तो जब राइट रखोगे ना तो पीछे का हिस्सा राइट जाएगा, ठीक है, ऐसे बैक करना होता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि मेरे राइट साइड में कौन सा वाहन है, कितना जगह है, लेफ्ट में देखना आपको कि कितना जगह है, कौन सा वाहन है या कोशिश है वहाँ पे रखा हुआ है या फिर गड्ढा है वहाँ पे, है ना, रास्ता है नहीं है, आपको देखना होगा वहाँ पे। नहीं समय में आया तो आप पूरा क्लच दबा दो, खड़ी कर दो, गुड, पूरा क्लच दबाओ, धीरे से ब्रेक लगा के कार को खड़ी कर दो। अब फिर से आपको हल्का हल्का क्लच छोड़ना है और चलना है, हल्का सा स्टीयरिंग और राइट टर्न करो, हल्का सा और राइट टर्न करो, छोड़ा दो हल्का का क्लच, हाँ, दे दो, अब सीधा करो, जो आपने टर्न किया ना उसको सीधा करो, बस ठीक है, हो गया सीधा, गुड, बहुत बढ़िया। गुड, पूरा क्लच दबाओ, धीरे से ब्रेक लगाओ मैम, ठीक है, अब फर्स्ट की लगा लो मैम, लगा लिया, अब फिर से आपको चलना है, चलो जाओ सीधे जाना है, बड़ा होल कर स्पीड जाते दो, होल कर बड़ा होल कर स्पीड जाते दो, चलो बड़ा स्पीड, गुड, बढ़िया, बड़े हल्के हल्का स्पीड, गुड। अभी आपने फर्स्ट स्केल में कार को चलाना स्टार्ट किया, ठीक है, आप एक्सेलेटर छोड़ो मैम, क्लच दबाऊँ और सेकंड गियर लगा लो, गुड, छोड़ो मैम हल्का का क्लच, बढ़िया, और बढ़िया। अब आगे से आपको यू टर्न लेना होगा, राइट का सिग्नल दे करके और यू टर्न लेना होगा, ठीक है, राइट का सिग्नल आपने दे दिया है और आपको यू टर्न लेना है यहाँ से, गुड, हल्का राइट रखना, स्पीड हल्का सा कम रखना, ब्रेक पर रख लेना मैम, ठीक है, धीरे धीरे, हाँ घुमाइए, सीधा को दौड़ गए, चलो फर्स्ट फर्स्ट हो गए, बड़ा ही हल्का का स्पीड जाते रहो, सीधे स्पीड, गुड, इनको हॉर्न तो साइकिल वाले भैया को, गुड, और राइट साइड में जब भी कार को चलाते हैं ना तो एक ही साइड में कार को रखते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में हॉर्न देकर के देख करके फिर निकलते हैं, गुड, बढ़िया।